नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय चैनल प्रजातंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। पटना के प्रसिद्ध स्कूल न्यू ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेशन डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। मौके पर छात्र छात्राओं के माता पिता एवं स्कूल के तमाम शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी मौजूद रहे। मैरी क्रिसमस, ये आप देखिए हर एक स्कूल हर एक जगह हमारे भारत में तो 45% लोग मनाते हैं इसको। इसको मनाने का उद्देश्य जो है, इसका मनाने का उद्देश्य ये है कि हमारे जो ईसा मसीह थे उनका जन्म तो एक बच्चों के रूप में हुआ, लेकिन वो जब दुनिया छोड़ के गए तो वो एक भगवान के रूप में दुनिया छोड़ के गए। तो हम यही मैसेज देंगे सब लोगों को, और ये सेलिब्रेशन मनाने का भी यही मकसद है कि हमारे यहाँ सभी बच्चे आए लेकिन वो ऐसा कर्म करें, ऐसा इंसान बने जो उनके जाने के बाद लोग उनको भगवान की उपाधि दें। यही हमारा उद्देश्य था इसको सेलिब्रेट करने का। अच्छे से बच्चों का जो सेलिब्रेशन है वो हम सारी सेलिब्रेशन स्कूल में कराते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो, और अच्छे तरीके से कराते हैं। हमारे सभी बच्चे मिलजुल के सारी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करते हैं। मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे किताबी ज्ञान तो आजकल हर जगह मिल जाता है, उतनी चीज़ें आजकल इंटरनेट वगैरह पे भी अवेलेबल होती हैं, बच्चों के चरित्र निर्माण के बारे में आप लोग कैसे काम करते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से जाना कि वो मतलब बच्चे जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो सब चीज़ पे उनका फोकस होता है, चाहे उनका व्यवहार कुशल रहता है, समाज में एक बढ़िया उनका रेपुटेशन, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करते हैं आप लोग? देखिए, हम हर तरीके से इन चीज़ को मैनेज करते हैं। हमारे टीचर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, हम लोग पेरेंट्स को भी समझाते हैं कि अगर हम आपका बच्चा 6 घंटे हमारे पास रहता है तो आपके पास जितना घंटा रहता है आप लोग उतना उन पर इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए। हम लोग व्यवहारिक किताबी ज्ञान दोनों देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को भी ज़रूरत है इस काम की। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी।